ऋतिक रोशन के फाइटर में किए गए चार बड़े बदलाव। फाइटर को मिला कौन सा सर्टिफिकेट? एंटीमेट सीन से लेकर डायलॉग तक हुए बड़े बदलाव। ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म फाइटर रिलीज के काफी नजदीक है। जैसे तैसे फिल्म की रिलीज डेट पास आ रही है, इसे लेकर जानकारियां भी सामने आ रही है। फिल्म की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। देशभक्त की भावना से भरी इस फिल्म में कुछ कट्स लगाए गए हैं, यानी पास करने से पहले CBFC ने फिल्म से कुछ डायलॉग और सीन्स बदलवा दिए हैं। बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फाइटर में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण लीड रोल है। इस मूवी का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था, जिसे काफी पसंद किया गया है। वही इश्क जैसा कुछ और शेर खुल गए गानों ने भी फैंस के बीच फिल्म को लेकर क्रेज बनाया है। मूवी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, मगर उससे पहले CBFC ने फिल्म में चार बड़े बदलाव करवाए हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में धूम्रपान विरोधी मैसेज को हिंदी में दिखाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एक आपत्तिजनक शब्द को हटाने या इसे म्यूट करने के लिए कहा गया है। वही CBFC ने TV न्यूज के सीन में 25 सेकंड के ऑडियो पार्ट को 23 सेकंड के ऑडियो में बदलने को कहा। चौथा बदलाव कुछ विजुअल में किया गया है। 8 सेकंड के सेक्सुअल सजेस्टेड विजुअल को हटाने का आदेश दिया। इन बदलावों के बाद फाइटर को US सर्टिफिकेट से पास किया गया है। बता दें कि फिल्म की एडवांस बुकिंग 20 जनवरी से शुरू हो गई है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार फाइटर की 2 करोड़ के करीब की कमाई हो गई है। फिल्म 25 जनवरी को IMAX 3D में रिलीज हो रही है। ऐसी मूवी न्यूज अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को अभी सब्सक्राइब करें।